गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, बाल साधना ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। कल हमने विविध प्रश्नावली 5 के अंदर 15 तक क्वेश्चन की। आज हम विविध प्रश्नावली में अगला जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि कोई मैट्रिक्स ए इक्वल टू आपके पास है ए बी सी 1+BC अपॉन में ए, ये मैट्रिक्स ए हो तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए तथा दिखाइए कि यानी सिद्ध करना में एंड ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू a² + bc + 1 × i का मतलब आइडेंटिटी माइनस a इंटू मैट्रिक्स ए। सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स ए दी गई है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू समथिंग। फिर हमें क्या निकालना है, a इनवर्स ज्ञात कीजिए यानी इस मैट्रिक्स का a इनवर्स यानी आव्यूह a का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना में। ओके, उसके बाद हमें क्या दिखाना है, हमें ये दिखाना है a इंटू ए इनवर्स यानी लेफ्ट इज इक्वल टू राइट साइड, दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ओके, तो देखो सबसे पहले हम a इनवर्स निकालेंगे। तो a इनवर्स हम कैसे निकालेंगे, मैट्रिक्स a तो पहले हम सारणिक निकालेंगे, एक का सारणिक तो निकालो। तो एक का सारणिक इज इक्वल टू a b c 1+BC अपॉन में ए। ओके, इंप्लाइज ए का सारणिक इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ए को मैं इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आया 1+BC माइनस बीसी, बीसी बीसी कैंसिल इज इक्वल टू 1 नॉट इक्वल 0। यानी आव्यूह ए के सारणिक का मान क्या नहीं है, 0 नहीं है। इसका मतलब आव्यूह ए का हम क्या निकाल सकते हैं, व्युत्क्रम आव्यूह। अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। ओके, अब हम ए इनवर्स का अस्तित्व है, अब देखो हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए। तो देखो यहां जो मैट्रिक्स है वो किसको टिकी, वो 2x2 को टिकी है, तो इसका मैं एडजॉइंट डायरेक्ट निकालता हूं, एडजॉइंट ए। जब मैट्रिक्स 2x2 को टिकी होती है तो हमारे पास उसका जो एडजॉइंट वो कैसे निकालते हैं, इन दोनों को तो हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और इन दोनों के हम क्या करते हैं, चिन्ह चेंज करते हैं। कर दो बेटा, 1+BC अपॉन में ए माइनस बी माइनस सी ए, ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ए का मान। ओके, जब आव्यूह 2x2 कोटि का होता है तो एडजॉइंट ए हम डायरेक्ट निकालते हैं, इन दोनों को चेंज करते हैं और इन दोनों के साइन चेंज करते हैं, चिन्ह प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ओके, आता है अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन में ए का सारणिक। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू ए का सारणिक का मान कितना है, 1। ए की सारणिक वैल्यू कितनी है, 1, तो 1/1 कितना होगा, 1 इंटू एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए लिख दो 1+BC अपॉन ए माइनस बी माइनस सी और ए, ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स का मान। ओके, अब हमें सिद्ध करना है कि क्या करना है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू a² + bc + 1 इंटू में i माइनस ए इंटू ए, ये हमें सिद्ध करना है, LHS इज इक्वल टू RHS। अब हम यहां से RHS लेकर चलेंगे, तो RHS इज इक्वल टू क्या है, a² + bc + 1 इंटू i माइनस ए इंटू ए, i का मतलब है आइडेंटिटी, वैल्यू पुट कर दो यहां, तो a² + bc + 1 इंटू आइडेंटिटी का मान कितना होगा, 1001 माइनस ए इंटू मैट्रिक्स ए की वैल्यू कितनी है,
मैट्रिक्स ए की लूप पर आपके पास ये रही, ये मैट्रिक्स ए का मान है, रख दो यहाँ वैल्यू, तो कितना आया ए बी सी वन प्लस बी सी अपॉन में ए। ओके अब इसको सरल कर लो बेटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना आया आपके पास, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस वन, जीरो से गया तो जीरो, फिर इसको इससे गया तो जीरो, फिर इसको इससे गया तो ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस वन, बीच में माइनस ए को अंदर मल्टीप्लाई किया, ए को इससे गया तो ए स्क्वायर, फिर ए बी, फिर ए सी, ए को इससे गया तो ए ए कैंसिल वन प्लस बी सी। ओके इज इक्वल टू, अब देखो ये मैट्रिक्स माइनस ये मैट्रिक्स, इसका मतलब इसमें से इसको हम क्या करेंगे माइनस, तो माइनस कर दो बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस वन माइनस ए स्क्वायर, जीरो माइनस ए बी, इसका मतलब माइनस का ए बी। ओके जीरो माइनस ए सी, इसका मतलब माइनस का ए सी, ठीक, फिर इसको इससे क्या तो ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस वन माइनस वन माइनस बी सी, ए से ए कैंसिल, बी सी कैंसिल, वन से वन कैंसिल। ओके क्या बचा हमारे पास, आगे देखो, आगे भी लो हमारे पास बची वन प्लस बी सी, आर एच एस इज इक्वल टू वन प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी और ए स्क्वायर, ये वैल्यू बची। ओके इसमें से देखो हम क्या कॉमन लेंगे, इसमें से हम एक कॉमन ले रहे हैं, क्या कॉमन ले रहे हैं यहां से ए, तो ए में बाहर कॉमन लिया, इसमें ए है नहीं तो इसमें हम ए का क्या देंगे भाग देंगे, तो वन प्लस बी सी अपॉन ए, इसमें ए है तो क्या बचा माइनस बी, इसमें ए है तो क्या बचा माइनस सी, इसमें ए है तो क्या बचा ए, और ये हमारे पास क्या है ए इंटू, और ये जो मैट्रिक्स है ये किसका मान है, ये ए इनवर्स का मान है, तो ए इनवर्स, और ये हमारे पास कौन सी साइड है एल एच एस, यानी आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस, हेंस प्रूफ। ओके क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 का, सारणिक की सहायता से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए, किसकी सहायता से, सारणिक की सहायता से, इसका मतलब क्रेमर नियम, हमें क्रेमर रूल लगाना है, ठीक है, तो दिया गया रैखिक समीकरण निकाय, दिया गया रैखिक समीकरण निकाय हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन, ए एक्स प्लस डी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू के, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस सी स्क्वायर जेड इज इक्वल टू के स्क्वायर, तीन समीकरण आपके पास है, क्रेमर नियम से हमारे पास इसका मान क्या होता है, क्रेमर नियम से x इज इक्वल टू कितना होता है डेल वन अपॉन डेल, y इक्वल टू कितना होता है डेल टू अपॉन डेल, एंड z इक्वल टू क्या होता है डेल थ्री अपॉन डेल। ओके x इज इक्वल टू डेल वन अपॉन डेल, y इक्वल टू डेल टू अपॉन डेल, z इक्वल टू डेल थ्री अपॉन डेल, अब यहां से हम किस किस की वैल्यू निकालेंगे, डेल की, डेल वन, डेल टू और डेल थ्री। अब देखो पर सबसे पहले हम निकालें डेल वन की वैल्यू, आता है डेल, सॉरी डेल की वैल्यू, डेल इज इक्वल टू, डेल का मान क्या होता है एक्स वाई जेड का कोफिशियंट होता है डेल, तो वन वन वन, एक्स का कोफिशियंट एक, वाई का एक, जेड का एक, तो वन वन, या एक्स का कितना है ए या बी फिर सी, या एक्स का कोफिशियंट ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर फिर सी स्क्वायर, जैसे हम डेल का मान निकालेंगे, जैसे हम डेल का मान निकालेंगे वैसे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, डेल वन की, डेल टू की और डेल थ्री की वैल्यू, यानी चारों की वैल्यू निकालने का तरीका सेम है, ठीक है, तो हम सबसे पहले डेल का मान निकालेंगे, फिर डेल वन का मान सेम टू सेम, फिर डेल टू का मान सेम टू सेम, डेल थ्री का मान सेम टू सेम, तो आप डेल का मान निकालना अच्छी तरह से देख लो, डेल इक्वल टू देखो वन वन वन, पहली पंक्ति के अंदर क्या आपके पास वन वन वन, तो हम ऑपरेशन कौन सा यूज करते हैं सी वन ऑपरेशन, सी वन माइनस सी टू, एंड सी टू ऑपरेशन
सी टू माइनस सी थ्री। जब आपके पास किसी भी सारणी के अंदर पंक्ति के अंदर वन वन होता है तो ऑपरेशन लगता है सी वन ऑपरेशन सी वन माइनस सी टू एंड सी टू ऑपरेशन सी टू माइनस सी थ्री, याद रखना है बात। ओके अब यहां ऑपरेशन यूज किया तो डेल इज इक्वल टू कितना है आपके पास, डेल इक्वल टू देखो सी वन माइनस सी टू, ये तो हमारे पास क्या है स्तंभ सी वन, ये हमारे पास स्तंभ सी टू और ये हमारे पास स्तंभ क्या है सी थ्री। तो सी वन माइनस सी टू यानी वन माइनस वन है जीरो, ए माइनस बी, फिर सी वन माइनस सी टू यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके फिर है सी टू ऑपरेशन सी टू माइनस सी थ्री, यानी सी टू का मान एक सी थ्री का वन, तो वन माइनस वन है जीरो, फिर है बी माइनस सी, फिर आपके पास है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सूत्र लगा दो बी माइनस सी और बी प्लस सी, सी थ्री सेम टू सेम वन सी सी स्क्वायर। ओके अब यहां देखो आपके पास इसके अंदर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं सारणिक में, क्या उभयनिष्ठ आ रहा बाहर ए माइनस बी और बी माइनस सी बाहर आ रहा है, किससे सी वन से ए माइनस बी, सी टू से बी माइनस सी, तो पंक्ति नहीं स्तंभ सी वन व सी टू से ए माइनस बी व बी माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर, स्तंभ सी वन व सी टू से ए माइनस बी बी माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर। ओके तो ये बाहर लिख लिया हमने, अंदर क्या बचा बेटा जीरो वन ए प्लस बी, जीरो वन बी प्लस सी, वन सी सी स्क्वायर। ओके अब इसका हम क्या करेंगे प्रसार करेंगे, कौन सी पंक्ति का अनुदिश आर वन, आर वन के अनुदिश प्रसार करने पर। ओके तो आर वन के अनुदिश इसका हम क्या करेंगे प्रसार कर दो बेटा, तो ए माइनस बी बार है बी माइनस सी बार है, प्रसार किया जीरो लिया तो वैल्यू जीरो, ये जीरो लिया तो जीरो प्लस का वन, वन लिया तो वन की वन के संगत पंक्ति और स्तंभ छोड़ दो, बी प्लस सी को एक से गुणा किया तो बी प्लस सी, माइनस ए प्लस बी को मल्टीप्लाई किया वन से तो ए प्लस बी, लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा माइनस माइनस, बी से बी कैंसिल, क्या बचा आपके पास यहाँ ए माइनस बी बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ये मान किसका है डेल्टा का मान है, किसका मान है डेल का। इसी प्रकार हम किसका मान निकालेंगे डेल वन का डेल टू का और डेल थ्री का, पुनः डेल वन, डेल वन का जो मान है डेल वन का मान हम कैसे निकालते हैं देखो, डेल वन की वैल्यू निकालेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे डेल वन एक्स का कोफिशियंट नहीं लेंगे हम, एक्स की जगह हम क्या लेंगे अचर पद, तो अचर पद क्या है एक के के स्क्वायर, समझिए ना, और फिर वाई का कोफिशियंट वन, यहां वाई कोफिशियंट बी, यहां वाई का कोफिशियंट बी स्क्वायर, फिर जेड का कोफिशियंट वन सी सी स्क्वायर, ये होगा डेल वन का मान। डेल वन का मान लिखेंगे तो एक्स का कोफिशियंट नहीं लिखेंगे, एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे अचर पद राइट साइड की वैल्यू वन के स्क्वायर, फिर वाई का कोफिशियंट फिर जेड का कोफिशियंट। ओके अब इसको सरल करो, देखो वही बात है पहली पंक्ति के अंदर क्या है वन वन, यहां भी वन वन, तो ऑपरेशन कौन सा यूज होगा सी वन ऑपरेशन सी वन माइनस सी टू एंड सी टू ऑपरेशन सी टू माइनस सी थ्री। ओके तो ऑपरेशन यूज कर दो, वही कंडीशन बेटा अप्लाई कर दो सी वन माइनस सी टू वन माइनस वन जीरो के माइनस बी, फिर सी वन माइनस सी टू के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा के माइनस बी के प्लस बी, फिर वन माइनस वन जीरो बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या होगा बी माइनस सी बी प्लस सी वन सी सी स्क्वायर। ओके क्या कॉमन आपके पास यहां देखो इस सारणिक के अंदर स्तंभ सी वन और स्तंभ सी टू से अंदर कॉमन क्या है के माइनस बी, सी वन से तो के माइनस बी और सी टू से क्या कॉमन है बी माइनस सी, अंदर क्या बचा जीरो वन के प्लस बी, जीरो वन
बी प्लस सी वन सी सी स्क्वायर। ओके, फिर क्या करेंगे हम आर वन के अनुदिश प्रसार करने पर, आर वन के अनुदिश हम क्या करेंगे अब इसका प्रसार, तो प्रसार कर दो बेटा। देखो पहले क्या है, जीरो फिर जीरो, तो सबसे पहले हमारे पास वैल्यू लिख लो बाहर, डेल वन इज इक्वल टू के माइनस बी इंटू बी माइनस सी, जीरो माइनस जीरो प्लस वन। वन लिया हमने तो वन की संगत पंक्ति स्तंभ छोड़ दो, बी प्लस सी को एक से गुणा किया तो बी प्लस सी माइनस के प्लस बी, तो बी प्लस सी माइनस के माइनस बी, बी से बी कैंसिल क्या बच गया सी माइनस, तो के माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस के। ये वैल्यू किसकी है, डेल वन की वैल्यू। ओके, तो डेल वन की वैल्यू आपके पास आ गई। इसी प्रकार हम किसका मान निकालेंगे, इसी प्रकार डेल टू का मान, डेल टू इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, डेल टू का मान निकालेंगे और फिर हम किसका मान निकालेंगे, डेल थ्री का। कैसे, जैसे मैंने डेल और डेल वन की वैल्यू निकाली है ऐसे ही सेम टू सेम इसकी वैल्यू निकालेंगे। डेल टू इक्वल टू आपके पास सारणिक एंड डेल थ्री इक्वल टू आपके पास समथिंग। ओके, दोनों के अंदर हम कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे, क्योंकि पंक्ति आर वन और आर वन 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 है, तो ऑपरेशन सी वन माइनस सी टू, सी टू माइनस सी थ्री, सी वन माइनस सी टू, सी टू माइनस थ्री। जैसे हमने डेल और डेल वन की वैल्यू निकाली है ऐसे निकालेंगे, ऑपरेशन यूज किया दोनों के अंदर, फिर आपके पास जो वैल्यू कॉमन है उसको हमने बाहर कॉमन लिया। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर क्या, देखो आर वन के अनुदिश प्रसार किया, इसका भी आर वन के अनुदिश प्रसार किया, प्रसार करने के बाद आपके पास डेल टू की वैल्यू आई ए माइनस के माइनस सी सी माइनस ए, और डेल थ्री की वैल्यू आई ए माइनस बी बी माइनस के माइनस ए। ओके, यहाँ आपके पास डेल का मान है, डेल वन का, डेल टू, डेल थ्री का मान। अब हम किसका मान निकाल सकते हैं, एक्स वाई जेड का मान। ओके, अतः एक्स इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, डेल वन अपॉन डेल, डेल वन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, डेल वन की वैल्यू ये रही के माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस के, अपॉन में डेल की वैल्यू हमारे पास है डेल की वैल्यू है ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस सी, तो ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस सी, बी माइनस सी बी माइनस सी क्या हो गया कैंसिल, कितना बचा आपके पास, वैल्यू बच गई आपके पास के माइनस बी इंटू सी माइनस के बाई ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए, ये एक्स का मान। फिर वाई की वैल्यू, वाई इक्वल टू क्या है, डेल टू अपॉन डेल, डेल टू का मान कितना है ये रहा, ये रहा डेल टू का मान ए माइनस के माइनस सी सी माइनस ए अपॉन में ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, ये कैंसिल हो गया, कितना बच गया ए माइनस के माइनस सी बाई ए माइनस बी इंटू बी माइनस। फिर जेड इक्वल टू कितना है, डेल थ्री अपॉन डेल इक्वल टू, डेल थ्री की वैल्यू ये रही ए माइनस बी बी माइनस के माइनस ए अपॉन में ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, ये कैंसिल आउट, बी माइनस के बी माइनस सी इंटू के माइनस ए बाई सी माइनस ए। ओके, ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई, एक्स की, वाई की और जेड की। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट, लास्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 20, विविध प्रश्नावली 5 का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 20 का। ओके, इस क्वेश्चन के बाद में हमारे पास चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित समीकरण इकाई के अनंत हल हो तो एक ए तथा बी का मान ज्ञात कीजिए, यानी समीकरण निकाय हमारे पास है दिया गया समीकरण निकाय
अब आपके पास देखो दिया गया समीकरण निकाय है एक दो तीन, तीन आपके पास तीन चरों के अंदर आपके पास है, और इस समीकरण निकाय का हल कितना है? अनंत हल है। इस समीकरण निकाय के हल कितने हैं? अनंत हल है। तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। जब आपके पास तीन चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय होता है और उसका अनंत हल होता है तो क्या कंडीशन होती है? उसकी ये कंडीशन होती है चूंकि समीकरण निकाय के अनंत हल है तब डेल इक्वल टू जीरो, डेल वन इक्वल टू जीरो, डेल टू इक्वल टू जीरो एंड डेल थ्री इक्वल टू जीरो होगा। यानी आपके पास तीन चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय के अंदर यदि अनंत हल होता है उस समीकरण निकाय का तो आपके पास क्या कंडीशन होती है? डेल बराबर जीरो, डेल वन जीरो, डेल टू जीरो, डेल थ्री जीरो। ओके, और हमें यहां से किस किस की वैल्यू निकालनी है? हमें यहां से वैल्यू निकालनी है एक की और बी का मान निकालना, हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें ए और बी की वैल्यू। ठीक है, ये कंडीशन किसके अंदर मिलती है? हमारे पास क्रेमर नियम के अंदर। किसमें होती है? ये क्रेमर नियम में। ओके, तो क्रेमर नियम से आपके पास डेल का मान क्या होता है? डेल इक्वल टू क्या होता है? डेल इक्वल टू होता है एक्स वाई जेड का कोफिशियंट, तो एक्स का दो, यहां बी, यहां पांच, फिर वाई का एक, माइनस दो, माइनस पांच, जेड का ए और यहां वन, फिर यहां वन। ओके, और डेल इक्वल टू क्या बेटा? जीरो, तो इक्वल टू जीरो। अब इसका हम क्या करेंगे? प्रसार करेंगे। क्या करेंगे इसका? प्रसार। कौन सी पंक्ति का अनुदिश? आर वन के अनुदिश। तो टू इंटू माइनस का दो प्लस का पांच, माइनस वन बी माइनस पांच, प्लस का ए माइनस का पांच बी और प्लस का दस और इज इक्वल टू जीरो। इंप्लाइज पांच में दोगे तो तीन, तीन दूनी कितने हो गए? छ, माइनस माइनस को अंदर भेजा तो माइनस बी प्लस का पांच प्लस माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो पांच ए बी और इसको इससे किया तो दस ए और इज इक्वल टू जीरो। इंप्लाइज कितनी वैल्यू आई इसकी? दस ए माइनस बी माइनस पांच ए बी और छह पांच कितना हो गया? ग्यारह, तो इक्वल टू आपके पास माइनस का ग्यारह। समीकरण एक, डेल इक्वल टू जीरो। अब हम लेंगे एंड डेल वन, डेल वन इक्वल टू, डेल वन की वैल्यू हम क्या लिखते हैं? डेल वन की जगह हम देखो एक्स 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 का कोफिशियंट नहीं लिखेंगे, एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे? अचर, चार माइनस दो माइनस, वाई का कोफिशियंट एक और डेल वन नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। इंप्लाइज अब इसका प्रथम पंक्ति के अंदर प्रसार कर दो, कितना आया? चार माइनस का दो प्लस का पांच, माइनस वन माइनस का दो प्लस का दो, प्लस ए इंटू पांच दूनी दस, माइनस दस माइनस के दो दूनी चार इज इक्वल टू जीरो। इंप्लाइज कितना हुआ? तीन, तीन चौक बारह, ये कितना हुआ? जीरो, ये कितना हो गया? छ, प्लस का छ इज इक्वल टू जीरो। इंप्लाइज ए का मान कितना है बेटा? यहां से ए का मान आ गया माइनस का दो। जब ए का मान माइनस दो आ गया तब हम किसका मान निकालेंगे? बी का। अब हम ये नहीं करेंगे डेल टू इक्वल टू जीरो, डेल थ्री इक्वल टू जीरो, नहीं, सिर्फ दो निकालो, डेल डेल वन या डेल डेल टू या डेल डेल थ्री, कोई भी एनी वन दो निकाल लो। ओके, देखिए हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी है? ए और बी का मान। एक का मान आ गया, एक का मान कहां पुट कर दो? समीकरण एक में। किसका मान आ जाएगा? बी का मान। बस फिर क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट समीकरण एक से। समीकरण एक क्या हमारे पास? पहले समीकरण लिख लो, दस ए माइनस बी माइनस का पांच ए बी इज इक्वल टू माइनस ग्यारह। अब यहां से एक का मान रखो तो दस गुणा माइनस दो माइनस बी, पांच गुणा माइनस दो इंटू बी इज इक्वल टू माइनस का ग्यारह। दस दूनी कितना हुआ? बीस, माइनस का बी माइनस माइनस प्लस दस बी इज इक्वल टू माइनस का ग्यारह। माइनस प्लस का दस बी माइनस बी कितना हुआ? नो बी।
और इसको मैंने उधर शिफ्ट कर दिया बेटा, माइनस 20 को इधर भेज दिया, तो कितना आया आपके पास माइनस का 9, प्लस का 9, सॉरी कितना आया प्लस का 9, क्यों? क्योंकि ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो माइनस का 11 प्लस 20 9 बच गया, और b इक्वल टू कितना आया 1। ओके, तो 1 का मान कितना हमारे पास माइनस 2 और b का मान कितना हमारे पास 1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। इसके साथ ही हमारे पास चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।